हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस एंड द क्लास ऑफ यूपीएससी सीसेट 2023। टुडे वी विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कैलेंडर। प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे कैलेंडर पे बेस्ड, एंड सम अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आई विल डिस्कस विद यू। ओके, सो जल्दी से सभी वीडियो को शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में, सभी शेयर कर देंगे बिकॉज इट विल बी डेफिनेटली हेल्पफुल फॉर यू, बिकॉज कैलेंडर पे बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में हर बार आता है। दिस इज इम्पोर्टेंट टॉपिक, हर बार क्वेश्चन आपको मिलता है कैलेंडर से। ओके, तो अब देखिए स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। क्या है क्वेश्चन? विच डेट ऑफ जून 2099 अमंग द फॉलोइंग इज संडे। कह रहा संडे कब होगा? ओके, अब देखो अगर हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखें तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन ये आया हुआ था आपके पास। कन्फ्यूज नहीं होना, क्या कह रहा है कि विच डेट ऑफ जून 2099। सो वी विल फाइंड आउट द डे ऑन द फर्स्ट जून। फर्स्ट जून का हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर मैं कहूं कि फर्स्ट जून को क्या डे था। अब जब भी कोई भी पर्टिकुलर डेट आपके पास गिवन है इन क्वेश्चन, इन दैट केस आपने क्या करना, उस डेट को तीन पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया एक तरह से, ठीक है। क्या है? डे, मंथ एंड ईयर। एंड यू विल फाइंड आउट द नंबर ऑफ ओड डेज, की टोटल ओड डेज कितने बन रहे हैं, ठीक है। अब सबसे पहले मैं कह रही हूँ डे, अगर हम डे की बात करें तो डे क्या कह रहे हैं हम, फर्स्ट, है ना। तो डे के अंदर कितने हैं, फर्स्ट लिया हमने वन। ओड डे कैसे फाइंड आउट करते हो आप, डिवाइडेड बाई सेवन। अगर वन को सेवन से डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा, हमें वन ही मिलेगा। ओके, अब अगर हम बात करते हैं मंथ की, तो मंथ क्या कह रहा है, जून। जून दैट मीन्स कि अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो कहाँ तक जाएगा, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल एंड मे। कहाँ तक लेना है आपने, मे तक कंसीडर करना है, क्योंकि जून तो अभी चल रहा है, जून इज नॉट कंप्लीट ना, तो जून को कंसीडर नहीं करना, यू विल टेक अप टू मे आल्सो। ओके, तो अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ ओड डेज आपने फाइंड आउट करने हैं। तो ये देखो जनवरी में कितने दिन, 31 डेज। 31 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं, सिंपल देखो जस्ट याद ही आप कर सकते हो, जनवरी के कितने आएंगे 3, फेब 28, 0, ठीक है, हाँ जी, मार्च 3, अप्रैल के 30 डेज 2, मई के कितने दिन, कितना हो गया 3, 9, 9 एंड 2, 11, 11 बाई 7। अगर हम देखते हैं रिमाइंडर तो यहाँ पे कितना बच रहा है आपके पास, 4 इज द रिमाइंडर। दैट मीन्स कि जो और डेज हैं वो कितने हैं आपके पास, 4। ओके, नाउ कम ऑन ईयर। ईयर के अंदर देखिए आपके पास क्या है, 2099 है, 99 तो अभी रनिंग है, दैट मीन्स कि वी विल टेक अप टू व्हाट, 98। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो ये क्या हो गया आपके पास, 2000 प्लस 98। अब 2000 के अंदर अगर हम नंबर ऑफ ओड डेज देखते हैं तो 2000 सेंचुरी के अंदर नंबर ऑफ ओड डेज होते हैं 0। हमेशा ध्यान रखो 400, 800, 1200, 1600, 2000, इनमें सभी में क्या है, नंबर ऑफ ऑड डेज 0। तो ये तो सीधा सीधा 0 हो गया। अब अगर हम बात करते हैं 98 की, तो इसमें चेक करो कि लीप ईयर कितने हैं, लीप ईयर कम्स आफ्टर 4 इयर्स, तो 4 से इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना होगा, 4 × 2 = 8, ठीक है, और ये हो गया 4 × 4 = 16, दैट मीन्स 24 लीप ईयर्स। अब जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग सारे के सारे क्या हैं, ऑर्डिनरी ईयर्स हैं। जब अगर हम ऑर्डिनरी ईयर देखें तो इसमें से इसको माइनस करो कितना आ गया, दिस इज 6, ओके, एंड दिस इज अगेन 6, ये आ गया आपके पास 7, क्लियर। तो कितना है हमारे पास में, एक सेकेंड, हमने इसको माइनस करना 98 से, 8 से 4 गया 4, और ये हो गया आपके पास में 7, 74 ऑर्डिनरी ईयर्स। अब हमें पता है कि जो लीप ईयर है, लीप ईयर के अंदर ऑड डेज कितने, 2, लीप ईयर के अंदर ऑड डेज कितने, और ऑर्डिनरी के अंदर 1, ऑर्डिनरी के अंदर 1, दैट मीन्स कि कितना हो गया, दिस इज 48, 24 × 2 = 48, एंड 74 इसके अंदर अगर हम ऐड करते हैं तो मेरे पास में वैल्यू कितनी आ गई। अब हमने क्या देखना है, नंबर ऑफ ऑड डेज 7 से डिवाइड करोगे, जब आप इसको 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया आपके पास में, 7 से हो गया 5 बच गया आपके पास, और ये हो गया 7 × 42, 7 × 49 = 3, दैट मीन्स कि जो रिमाइंडर है वो बचा है हमारे पास 3, दैट मीन्स कि जो ऑर्डिनरी डेज हैं ये इतना ही आएगा। देखो 7 से 7 × 5 = 35, 7 × 42, 7 × 49 =
49 से 3 आ गया, क्लियर। तो नंबर ऑफ ऑड डेज यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, नंबर ऑफ ऑड डेज आर 3। अब टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज देखो कितने, टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने, 1, 4, 5, 5 + 3 8 ऑड डेज, 8 ऑड डेज कितने 8, अगेन 7 से डिवाइड किया दैट मींस कि 1 मींस व्हाट कि 1st जून को क्या है आपके पास मंडे, 1st जून को क्या आ गया मंडे, दैट मींस कि 8th जून को अगेन मुझे क्या मिलेगा मंडे, दैट मींस कि संडे कब आया 7th जून को, क्या मिलेगा दिस इज संडे, सो योर आंसर विल बी इक्वल टू व्हाट 7, सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट। हाँ जी बताइए, कोई माइनर सा डाउट, सिंपल देखो कितनी कैलकुलेशन है इसमें, जस्ट आपको मैंने समझाया इसलिए एक एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया, अदरवाइज आप डायरेक्टली कर सकते हो, थोड़ी सी अगर प्रैक्टिस करते हो डायरेक्टली कर सकते हो, ओके यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि कब आया था आपका 21 के अंदर आया था, 21st में आया था। अब देखो यहाँ पे जब भी इस तरह से हमें क्वेश्चन मिलता है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, क्या फाइंड आउट करना था हमें, किसी भी पर्टिकुलर डेट का डे फाइंड आउट करना है हमने एक तरह से, है ना, यहाँ पे भी क्या है किसी पर्टिकुलर डेट का डे फाइंड आउट करना है। नाउ देयर आर टू मेथड्स कि आप कैसे डेट फाइंड डे फाइंड आउट कर सकते हो, एक है कंपैरिजन कर सकते हो आप किसी पर्टिकुलर डेट के साथ में, ठीक है, और दूसरा क्या कर सकते हैं हम, दूसरा जैसे अभी मैंने ये फर्स्ट मेथड बताया ये वाला आप चूज कर सकते हो। तो अब जैसे यहाँ पे ये कह रहा है 10th October 2027 को क्या डे होगा, अब एक तो अभी जो हमारे पास में मेथड है यू विल चूज दिस मेथड 10th October 2027। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे डेट की, तो अगर डे में देखोगे तो नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो गए, डे है 10 डिवाइडेड बाई 7, तो रिमाइंडर क्या बच गया आपके पास 3, दैट मीन्स दिस इज द ऑड डे, ऑड डे कितने आ गए आपके पास, देर आर 3 ऑड डेज इन दिस, है ना। अब अगर हम बात करते हैं मंथ की, अब मंथ में भी क्या कह रहे हैं, अक्टूबर, अक्टूबर तक आपने जाना है, जनवरी 3, फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। अब आप ही कहोगे मैडम ये 3-2 आप कैसे ले रहे हो, 3-2 हम कैसे ले रहे हैं, जिस मंथ में 31 डेज 7 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या बचा रिमाइंडर 3, क्या लिया हमने 3, जिस मंथ में 30 डेज 7 × 28 दैट मीन्स कि रिमाइंडर बचा 2, और जब आपके पास में जो रिमाइंडर बचेगा दैट इज द ओड डे, ओके। तो हमने यही किया, जिस जिस मंथ में जितने जितने डेज हैं उसके अकॉर्डिंग हमने इसको कंसिडर कर लिया, ओके। सो ये टोटल हो गया आपके पास 12, 3, 5, 15, 15 और 6, 21, है ना, 21, एंड फर्दर इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बच गया आपके पास 0, दैट मीन्स कि नंबर ऑफ ऑड डेज कितने, नंबर ऑफ ऑड डेज 0, ओके। नाउ कम ऑन ईयर, अगर हम बात करते हैं ईयर की, इन दैट केस यहाँ पे देखो क्या है 27, अब क्या करोगे इसको हम फर्दर डिवाइड कर लें, क्या 2000 + 27, बट यहाँ पे एक पॉइंट आपने ध्यान रखना है, क्या कि जब 27 कह रहा है दैट मीन्स कि 27 तो रनिंग है, हमें कौन सा मंथ कंसिडर करना है, यहाँ पे 26 लेना है, ओके क्या करोगे इसको 6 ले लोगे। अब 2000 के अंदर नंबर ऑफ ऑड डेज 0, ओके अभी हमने किया था, अगर हम 26 की बात करते हैं तो ये कितना हो गया आपके पास 4 × 24 6 लीप ईयर एंड 20 ऑर्डिनरी ईयर, अगर हम ऑर्डिनरी ईयर देखें लीप ईयर के 12 और ऑर्डिनरी के 20, ओके कितना हो गया दिस इज 32, फर्दर डिवाइड करोगे 7 से, 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या बचा 7 × 28 बच गया आपके पास 4, रिमाइंडर इज 4, दैट मीन्स 4 ऑड डेज डन। अब ऑड डेज देखो कितने बन गया आपके पास में 3 ये 4 ये 7 और ये तो 0 ही था, दैट मीन्स कि जो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज है देट आर 7 ऑड डेज, सेवन डिवाइडेड बाई 7 दैट मीन्स 0, एंड 0 रिप्रेजेंट व्हाट संडे, 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है संडे को, सो योर आंसर विल बी व्हाट दिस विल बी संडे। अब बात करते हैं एक बार सेकंड मेथड की कंपैरिजन,
अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो यहाँ पे देखो जो पेपर था सीसेट 2021 दैट वाज हेल्ड ऑन 10th अक्टूबर 2021 ओके 2021 को हुआ है पेपर। अब देखो यू विल चेक फॉर द नेक्स्ट क्या है 10th अक्टूबर 2021 को पेपर हुआ था एंड ऑन दैट डे इट वाज संडे। क्या था उस दिन? संडे था। सभी को पता पेपर हो रहा है उस दिन के उसी डेट के साथ आप कंपेयर कर सकते हो ना जिस दिन पेपर हो रहा है ओके। अब यहाँ पे जो डेट है जो आपको फाइंड आउट करनी है दैट इज व्हाट दैट इज 10th अक्टूबर 2027 ये हमने फाइंड आउट करना है। तो जब भी कंपैरिजन करना है तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे देखो डेट इज सेम कोई जरूरत नहीं है कैंसिल आउट कर दो मंथ इज सेम अगेन कैंसिल आउट कर देंगे। नाउ द डिफरेंस इज ओनली वर्ड यस ईयर्स में डिफरेंस आ रहा है। अब ईयर्स में भी देखो सिंपल याद रखो कि अगर आपके पास ऑर्डिनरी ईयर है इन दैट केस ओड डेज कितने बनेंगे 1 अगर लीप ईयर है देर विल बी 2 ओड डेज ओके। तो अब देखो ओड डेज अगर मैं देखूँ तो ओड डेज कितने बने हाँ जी 21 कैसी है ऑर्डिनरी ईयर है 22 ऑर्डिनरी 23 ऑर्डिनरी 24 लीप 25 ऑर्डिनरी 26 ऑर्डिनरी कितने हो गए 3 3 2 5 2 7 7 डिवाइडेड बाई 7 कितना आ गया 0 0। दैट मीन्स इस संडे के अंदर अगर मैं 0 ऐड करूँगी तो क्या मिलेगा मुझे संडे ही मिलेगा सो योर आंसर विल बी संडे। अब आप देखो जोन सा मेथड आपको लगता है कि हाँ दिस इज इजी आप उसको यूज कर सकते हो ओके नेक्स्ट देखिएगा यस। अब 21 में ही क्वेश्चन आया हुआ था डाटा सफिशियंसी का 21 के अंदर ही डाटा सफिशियंसी का क्वेश्चन भी आपको आया हुआ था। वैसे भी आजकल ना ट्रेंड ना थोड़ा चेंज हो गया जैसे अभी डायरेक्ट क्वेश्चन है डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत ही कम मिलते हैं आपको एग्जाम में। क्वेश्चन कैसे आ जाता है डाटा सफिशियंसी की फॉर्म में क्वेश्चन आ जाता है या फिर आपके पास में क्या होता है एक गिवन क्वेश्चन के साथ में ही 3 स्टेटमेंट दे देते हैं 2 या 3 स्टेटमेंट्स होती है एंड इन ऑप्शन यू विल फाइंड आउट कि जो गिवन स्टेटमेंट्स हैं उनमें से कौन कौन से ट्रू या फॉल्स है ओके। तो ऑप्शन मिलेगा आप फर्स्ट एंड सेकेंड इज ट्रू फर्स्ट एंड थर्ड इज ट्रू सेकेंड एंड फोर्थ इज सेकेंड एंड थर्ड इज ट्रू इस तरह से कुछ मिल सकता है ना। तो हमें अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है इन दैट केस हम जैसा मर्जी क्वेश्चन आए कर लेंगे मे बी इट इज़ ऑन डाटा सफिशियंसी मे बी इट इज स्टेटमेंट बेस्ड नो इशू। बट इफ़ योर बेसिक्स आर नॉट क्लियर इन दैट केस आप एग्जाम में कन्फ्यूज हो जाओगे बिकॉज अगर हम सी सेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हैं तो सारे आजकल ना इसी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब जैसे यही क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है क्या है क्वेश्चन में कर कंसिडर द 2 स्टेटमेंट्स ओके इन द क्वेश्चन द लास्ट डे ऑफ द मंथ इज वेडनेसडे। अब एक स्टेटमेंट गिवन है कि लास्ट डे क्या है वेडनेसडे ठीक है। अब दूसरा जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है द थर्ड सैटरडे ऑफ द मंथ वाज 17th ऑफ द डे ओके। अब दूसरा देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है व्हाट इज द डे ऑन 14th ऑफ द गिवन मंथ कह रहा 14th को क्या होगा। अब अगर मैं फर्स्ट वाले देखती हूँ तो लास्ट को तो है वेडनेसडे लास्ट को वेडनेसडे बट फ्रॉम हेयर वी कांट कंक्लूड कि जो मंथ है उस मंथ में डेज कितने हैं द मंथ में हैव 31 डेज इट में हैव 30 डेज इट में हैव 29 डेज इट में हैव 28 डेज है ना। दैट मीन्स कि फ्रॉम द फर्स्ट स्टेटमेंट वी कांट कंक्लूड एनीथिंग है ना मीन्स हम आंसर नहीं कर सकते। अब हम आते हैं सेकेंड की तरफ। अब यहाँ पे अगर सेकेंड को मैं देखूँ तो क्या कह रहा है थर्ड सैटरडे वाज द 17th डे दैट मीन्स कि जो 17th है उसको क्या है सैटरडे है ओके एंड वट वी वॉन्ट टू फाइंड आउट 14th दैट मीन्स 16th 15th एंड 14th सैटरडे फ्राइडे थर्सडे एंड वेडनेसडे दैट मीन्स वट कि फ्रॉम द सेकेंड वन वी कैन इजिली आंसर ओके। सो यहाँ पे अपने पास में आंसर क्या होगा ओनली स्टेटमेंट 2 इज सफिशियंट टू गिव द आंसर ऑफ द क्वेश्चन सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ओके। हाँ जी कुछ समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे सभी अपने फ्रेंड्स के साथ। मैक्सिमम शेयरिंग चाहिए मुझे सभी अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करेंगे। अगर लग रहा है कोई डाउट है इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपकी सी सेट से रिगार्डिंग कोई क्यूरी है इन दैट केस अगेन यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन ओके।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट वाज संडे ऑन 1st जैन 2006, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 1st जैन 2010। यस, अब देखो कंपैरिजन में आप लोगों को सिखा रही हूँ कि अगर एग्जाम के अंदर नहीं हो पाता तो उस केस के अंदर क्या करोगे, जिस दिन आपका एग्जाम है वो डेट आपको पता है, वो डेट आपको पता है। एंड द सेकेंड थिंग इज कि अगर आपको वो डेट पता है तो जो आपके पास एग्जाम में अगर डेट आती है कोई भी पर्टिकुलर डे फाइंड आउट करने के लिए, यू कैन कंपेयर दीज टू डेट एंड फाइंड आउट द आंसर, तो उसमें आपकी कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाती है कंपैरेटिवली। ओके, तो अब देखो यहाँ पे क्या है, 1st जैन 2006 को क्या कह रहे हैं, दिस इज संडे। देन व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट, 1st जैन 2010 को क्या होगा। आप यहां पे देखिए डेट इज सेम, देयर इज नो नीड टू मेक एनी काइंड ऑफ कैलकुलेशन। ओके, मंथ इज सेम, नो नीड ऑफ एनी कैलकुलेशन। नाउ वी विल चेक फॉर द ईयर। अब ईयर में देखो क्या किन किन को कंसीडर करना है हमने, 2006, 2007, 2008, 2009। अब 10 को लेंगे, नो 10 को कंसीडर नहीं करना आपने, सिर्फ क्या करेंगे उससे फर्स्ट जो प्रीवियस जो जो ईयर्स आपको दिखाई दे रही है उनको कंपेयर करना है। अब 2006 कैसी है, ऑर्डिनरी ईयर, ऑर्डिनरी ईयर दैट मीन्स कि ऑर्डिनरी ईयर के अंदर ओड डेज कितने, ऑर्डिनरी ईयर के अंदर वन ओड डे, ठीक है, वन ओड डे, देर आर टू ओड डेज एंड दिस इज वन ओड डे, तो टोटल नंबर ऑफ ओड डेज कितने हो गए आपके पास में, 2, 3, 5 ओड डेज। अब क्या करेंगे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 5 और आपका आंसर आ जाएगा। अब 5 डेज में कैसे ऐड करेंगे, संडे के बाद में 5 क्या आ गया आपके पास में, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, दैट मीन्स व्हाट, योर आंसर विल बी फ्राइडे। ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन कंपैरिजन बेस्ड है, कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन है, क्या है, ऑन 10th May 1997 वाज मंडे। अब कई बार ऐसा भी होता है कि यहाँ पे आपने कोई भी डे देख लिया और आप कहते हो कि नहीं उस दिन तो ये वाला दिन है ही नहीं, है ना, देन इट डजेंट मैटर। अगर आपके क्वेश्चन के अंदर कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन है मतलब आपका, तो उस केस में आपने उसी के बेस पे आंसर करना है। ओके, तो जैसे यहाँ पे है, कह रहा है 10th May 1997 को क्या है, मंडे था, कह रहा है इट वाज मंडे, तो बताओ 10th October 2001 को क्या होगा। ओके, अब देखो जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ एक पॉइंट सेम मिले, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास में बाकी डिफरेंट हो सकते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो डेट तो सेम है, दैट मीन्स कि कुछ नहीं करना हमने, हमने क्या चेक करना है, मंथ और ईयर को चेक करना है। ओके, तो अगर हम ओड डेज देखते हैं, पहले मंथ का देखो, आप मंथ में क्या लोगे, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। ओके, मई कितने दिन, 31 डेज, दैट मीन्स 3, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर कितने हो गए, हो गया आपके पास में 9, 9 एंड 4, 13, है ना, अगेन फर्दर 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना बचा, 6, एंड दिस रिमाइंडर इज द ओड डे। ओके, नाउ कम ऑन ईयर, ईयर में किसको कंसीडर करना है हमने, 97, 98, 99 एंड 2000 को कंसीडर करोगे। 1997 ordinary year that means one, ordinary year and this is leap year ke 2 days aapko consider karne hai. Okay, so this will be 5. ab agar hum total odd days dekhte hain, total odd days to kitne banenge, 6 plus 5 11, aur 11 ko further agar aap 7 se divide karte ho kitna bach gaya aapke paas mein, रिमाइंडर 4, दैट मीन्स कि 4 ओड डेज। अब क्या करेंगे, मंडे के अंदर 4 को ऐड कर लोगे, मंडे के अंदर क्या करेंगे हम, 4 ऐड करेंगे, दैट मीन्स 1, मंडे के बाद 4, देखो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, दैट मीन्स योर आंसर विल बी फ्राइडे, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर, सो आई होप अगर इस तरह का कुछ भी क्वेश्चन आपको मिलता है तो सभी कर लेंगे,
सभी कर लेंगे. ओके चलो फिर ये देखो, दिस इज अ वेरी सिंपल एंड लॉजिकल क्वेश्चन. सिंपल एंड लॉजिकल क्वेश्चन है, क्या है? इफ टुडे इज सैटरडे, इफ टुडे इज सैटरडे, वैसे तो टुडे इज फ्राइडे है, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ टुडे इज सैटरडे, ठीक है, देन व्हाट विल बी द डे 350 डेज फ्रॉम नाउ. तो आज से 350 दिन के बाद में क्या डे होगा. तो जब भी अब देखो यहाँ पे आपके पास में जो डिफरेंस है डेज का, वो ऑलरेडी गिवन है. ऑलरेडी आपके पास में गिवन है, कितना है, दिस इज 350 डेज. सो इफ यू गेट सच काइंड ऑफ क्वेश्चन वेयर टोटल नंबर ऑफ डेज आर गिवन, इन दैट केस जस्ट फाइंड आउट द नंबर ऑफ ओड डेज. ओके, तो अगर मैं ओड डेज फाइंड आउट करूं, तो ओड डेज कैसे फाइंड आउट करेंगे, यू विल डिवाइड इट बाई, यस 350 है, इसको डिवाइड करना है हमने किससे, 7 से. एंड व्हेन यू विल डिवाइड इट बाई 7, देन रिमाइंडर विल बी इक्वल टू व्हाट, 0. रिमाइंडर इज 0. दैट मीन्स व्हाट, सैटरडे के अंदर क्या ऐड करना है हमने, सैटरडे में क्या ऐड करोगे, 0. मीन्स क्या रहेगा, सैटरडे. ओके, सो आंसर क्या रहेगा आपके पास, सैटरडे. ओके, सो स्टूडेंट्स, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज, यूपीएससी सिविल सर्विसेज, इन दैट केस इफ यू आर लुकिंग फॉर सम कोर्स ऑफ सी सेट, इन दैट केस यू कैन गो विद अभिमन्यू आईएएस. अभिमन्यु आईएएस के अंदर हम आपको आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप के कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, देर आर सम एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 2 or 3 years, है ना, तो उस केस के अंदर उन्होंने कुछ प्रिपरेशन है, बट सम पार्ट इज मिसिंग, है ना. तो अब अगर मान लीजिए आप कहते हो कि जब हम सी सेट की बात करते हैं, तो सी सेट के अंदर आपको मिलता क्या है, क्वांट के क्वेश्चन मिलेंगे, मैथ्स मिलेगा, ठीक है, और लॉजिकल रीजनिंग, और क्या है, इंग्लिश, और इंग्लिश में भी क्या है हमारे पास में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, है ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. अब देखो, अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे पूरा कंप्लीट नहीं चाहिए, भाई मेरी इंग्लिश तो काफ़ी अच्छी है, लॉजिकल रीजनिंग भी मैं कर लेती हूँ, बट मैथ्स के अंदर मुझे प्रॉब्लम आ रही है, क्वांट के सेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, देन वाई शुड आई गो फॉर द कंप्लीट कोर्स, है ना. माइंड में एक सीधा सा पॉइंट है कि मैं कंप्लीट कोर्स क्यों लूँ जब मुझे सिर्फ क्वांट में इशू आ रहा है. इन दैट केस देर इज नो नीड टू गो फॉर द कंप्लीट कोर्स, कोई ज़रूरत नहीं आपको. सिंपल क्या करेंगे, यू कैन गो फॉर द मॉड्यूल कोर्सेज. मॉड्यूल कोर्सेज दैट मीन्स कि यू कैन टेक क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश, जो भी आपको चाहिए वो पर्टिकुलर कोर्स ले सकते हो. इसके अंदर बिल्कुल बेसिक से हर एक मॉड्यूल को बिल्कुल बेसिक से डिटेल में आपको कराया गया है. ओके, नाउ द सेकेंड थिंग, कि अगर आप कहते हो कि नहीं मैडम जी, हमें ना मैथ्स में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, जस्ट प्रॉब्लम इज व्हाट, कि मुझे कोई पर्टिकुलर थोड़े थोड़े टॉपिक्स है वो नहीं आते, जैसे नंबर सिस्टम डिटेल में चाहिए मुझे, ठीक है, और नंबर सिस्टम में से हमें पता है कि 10 to 15 क्वेश्चन, इवन 20 क्वेश्चन तक भी आपको मिल सकते हैं एग्जाम के अंदर फ्रॉम नंबर सिस्टम, है ना. तो आप कहते हो कि नंबर सिस्टम मुझे चाहिए, या फिर आप कहते हो कि मैम मुझे परसेंटेज में इश्यू आ रहा है. ओके, इन दैट केस यू कैन गो ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक. आप सिर्फ वही पर्टिकुलर टॉपिक ले सकते हो, द टॉपिक फ्रॉम एनी मॉड्यूल, क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश. ओके, सो उसके लिए आपको जाना कहाँ पे है, उसके लिए आपको जाना है माइक्रो कोर्सेज के अंदर. अगेन देयर इज नो नीड टू गो फॉर द कंप्लीट कोर्स और द मॉड्यूल कोर्स, यू कैन गो फॉर द माइक्रो कोर्स ओनली. ओके, नाउ द थर्ड थिंग इज, कि आप कहते हैं कि मुझे तो कंप्लीट कोर्स अच्छे से करना है, बिकॉज सी सेट के मामले में बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते. जीएस अच्छे से प्रिपेयर करने के बाद भी अगर सी सेट के अंदर क्वालिफाई नहीं कर पाए, दैट मीन्स कि कोई फायदा नहीं है, दिस इज जस्ट वेस्टेज फॉर वन ईयर, है ना. तो उसके लिए हमें कंप्लीट कोर्स की रिक्वायरमेंट है. सो द एस्पिरेंट्स हु आर इन दिस कैटेगरी, दे कैन गो फॉर द कंप्लीट कोर्स. कंप्लीट कोर्स लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. ओके, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन जस्ट गो फॉर द कंप्लीट कोर्स. एंड देयर विल बी सम स्टूडेंट जिसको सिर्फ टेस्ट सीरीज की रिक्वायरमेंट है, तो टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है. जो भी स्टूडेंट्स टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, वो टेस्ट सीरीज ले सकते हैं.
ओके. इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ क्यूरी रिगार्डिंग सी सेट कोर्स, इन दैट केस यू कैन अगेन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो. ओके. एंड द अदर डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. आप डिस्क्रिप्शन को एक बार चेक करेंगे तो वहाँ से आपको बाकी के डिटेल्स मिल जाएंगे. आवर साइट इज abhipedia.abhimanyu.com. आप हमारी साइट पे विजिट करिए एंड यू विल गेट ऑल काइंड ऑफ योर कंटेंट लाइक GS एंड CSET. और बाकी के भी अगर किसी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए भी सभी तरह का कंटेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा. ओके. सो स्टूडेंट्स, इट वॉज ऑल फॉर टूडे. थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ. थैंक यू.